हे गाइस गुड इवनिंग। तो आ गया हूँ पटना सेंट्रल स्कूल। आज मदर्स डे का सेलिब्रेशन होने वाला है, तो चलिए वीडियोज़ में लगातार बने रहिएगा, तो आपको दिखाते हैं पटना सेंट्रल स्कूल का मदर्स डे का सेलिब्रेशन। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं जितने भी पेरेंट्स हैं यानी कि मदर्स, वो आना स्टार्ट हो चुके हैं ग्राउंड के अंदर, कैंपस के अंदर, पटना सेंट्रल स्कूल के कैंपस के अंदर। और ये आप देख सकते हैं जो चेयर्स है वो पूरे कैंपस में लग करके हो गया है रेडी। जो फीमेल है यानी कि मदर्स जो हैं वो आगे बैठेंगे और जितने भी पेरेंट्स हैं यानी कि फादर, वो पीछे की तरफ बैठेंगे इस चेयर पे, मतलब इस पूरे कैंपस में। और ये देख सकते हैं जो मदर्स हैं, लगभग पेरेंट्स आ चुके हैं इस वक्त ग्राउंड के अंदर यानी कि कैंपस के अंदर। कुछ ही देर में अब प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं, इस जो है मदर्स डे का शुभारंभ करने के लिए जो है हमारे पूज्य श्री आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं और अब जो है प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। गुरु ज्ञान की गंगोत्री, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। माँ का सम्मान है, माँ जी का सम्मान है, राष्ट्र का सम्मान है, संस्कृति का सम्मान है, मातृत्व शक्ति का सम्मान है। परम पूज माँ जी को अभिनंदित करते हमारे एक्सिक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर वी के सुदर्शन साहब, माँ जी को हमारे प्रिंसिपल होती रहे समाज में, और आपके द्वारा जो आदर्श स्थापित किया जाता है समाज का, प्रत्येक व्यक्ति उसका पालन करे, क्योंकि कुछ ऐसा भाव है मातृ दिवस का। हम लोग तो पहले जानते थे 14 फरवरी को एक दिवस आता है और एक आज का दिवस है, दोनों में कितना अंतर है, कितना आदर और सम्मान है इस दिवस का। तो गाइज इस मदर्स डे से जो है पटना सेंट्रल स्कूल में एक प्रथा चलाई गई है हमारे श्री आचार्य सुदर्शन जी महाराज के द्वारा, कि जितने भी बच्चे हैं मदर्स डे पर पटना सेंट्रल स्कूल के अंदर, वो अपने मदर्स की यानी कि अपने माता की पैर धोएंगे और टीका लगाएंगे। और आप देख सकते हैं जितने भी बच्चे हैं वो अपनी माता के जो हैं पैर धो करके उसको टीका लगा रहे हैं और फूल की जो है थोड़ी थोड़ी बारिश कर रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं अभी वो सारे जो हैं अपने माता के जो है चरण धोएंगे और टीका करेंगे इस मदर्स डे पर। तो गाइज एक चीज़ है इस पटना सेंट्रल स्कूल में, कि जो आपके बच्चे को संस्कार सिखाया जाएगा वो किसी और स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता पूरे बिहार में। इस चीज़ को लेकर के मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि पटना सेंट्रल स्कूल जो है पूरे बिहार में वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है, जहाँ पे कि आपको आपके बच्चे को संस्कार सिखाया जाता है। आशीर्वाद वरद हस्त माता, ये दृश्य ऐतिहासिक है। बहुत ही ऐतिहासिक दृश्य है। Thank you.
लैंप लाइटिंग सेरेमनी, प्लीज कम सून। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं, ये लैंप लाइटनिंग के द्वारा जो है हमारे आचार्य श्री सुदर्शन जी के द्वारा जो है मदर्स डे का, ये समझिए कि ज्योति मतलब ज्योति जला दिया गया है और ये मदर्स डे का यहाँ से अब प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए ब्लॉग में अंत तक बने रहें। अपना सेंट्रल स्कूल में मदर्स डे पे होने वाले जो भी प्रोग्राम्स हैं आज, वो मैं सारा आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। तो ब्लॉग में अंत तक बने रहें। सो बहुत ही सुंदर दृश्य, इसी के साथ लैंप लाइटिंग के साथ प्रोग्राम आज की सेलिब्रेशन की शुरुआत। जोरदार तालियां एक बार। तो गाइज ये देख सकते हैं जो पटना सेंट्रल स्कूल के जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, यानी कि बच्चों के जो मदर्स हैं, इस मदर्स डे पर मास्टर शेफ बने हुए हैं। वो अपने घर से ये तरह तरह के कुछ कुछ डिशेस लाए हैं। यहाँ पे कंपटीशन है, क्योंकि मदर्स के बीच में ये देख सकते हैं जितने भी मदर्स हैं, मदर्स शेफ के रूप में आपको सामने नज़र आ रहे हैं इस वक्त। अभी दिखा रहा हूँ मैं मदर मास्टर शेफ, जो कि पटना सेंट्रल स्कूल में देख सकते हैं जो पटना सेंट्रल स्कूल के जो ऑनर हैं आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज, इस वक्त आ चुके हैं मदर्स शेफ के बीच में। जो मदर्स हैं जो खाना बना करके लाए, कुछ कुछ अच्छी अच्छी डिशेस बना करके लाए, वो देखने के लिए आचार्य सुदर्शन जी महाराज जो हैं अभी ये स्टॉल पे जा रहे हैं। कुछ कुछ हो सकता है कि टेस्ट भी करें, और वो जा करके अभी इस वक्त चेक कर रहे हैं।
तो गाइस देख सकते हैं आचार्य सुदर्शन जी महाराज अब पहुंच चुके हैं। जो बच्चे कुछ कुछ पेंटिंग बना करके लाए इस मदर्स डे पे, कुछ कुछ ग्रीटिंग्स बना करके लाए अपने मदर्स के लिए, वो अभी देखने के लिए आचार्य सुदर्शन जी महाराज ये देख सकते हैं कि आ चुके हैं। देख सकते हैं कितने सारे माँ का जो है आकृति यहाँ पे बना हुआ है। Hey guys, तो ये मदर्स डे का सेलिब्रेशन हो गया है पटना सेंट्रल स्कूल में। तो गाइज वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि किसी तरह की नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।